और वहीं चंडीगढ़ को लेकर प्रदेश में सियासी पारा लगातार बढ़ता जा रहा है। पंजाब सरकार के प्रस्ताव के बाद दोनों तरफ से बयानबाजी जारी है और इसी बीच हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने जनता टीवी से खास बातचीत भी की है। इस मुद्दे पर उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया दी, क्या कुछ उन्होंने कहा वो सुन लेते हैं। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री और नेता विपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं। सर, चंडीगढ़ को लेकर जिस तरीके से विवाद देखने को मिलता हुआ नजर आ रहा है, पंजाब सरकार ने सर एक विधानसभा में प्रस्ताव पारित किया, आप किस तरीके से देख रहे हैं? आपका ट्वीट भी निकलकर सामने आया था सर। ये कोई विवाद नहीं, जहां तक इसका चंडीगढ़ का सवाल है, चंडीगढ़ हरियाणा का है, सा कमीशन दे रखा है। और क्योंकि विवाद तीन विवाद हैं हरियाणा पंजाब के, एक तो पानी SYL, फिर दूसरा क्षेत्र टेरिटरी, तीसरी राजधानी। तो सबसे पहला प्रायोरिटी हरियाणा की पानी के लिए है कि पानी का, हमारा पानी का ही हक नहीं दे रहा पंजाब तो, और जबकि सुप्रीम कोर्ट हमारे हित में फैसला कर चुका। चंडीगढ़ तो कह रहा है ही हरियाणा का, जो प्रस्ताव किया है पंजाब ने वो बेमायने है, कोई उसका मकसद नहीं है सिवाय एक राजनीतिक जुमले के सिवाय। सर, लेकिन जिस तरीके से नई सरकार बनी है सर, नई सरकार के पास और कई सारे जो है कार्यक्रम होते हैं, उन्होंने कई बड़े वादे जो है चुनाव जीतने से पहले किए थे, और SYL का मुद्दा चूंकि हरियाणा और पंजाब की राजनीति में बहुत पहले से ही देखने को मिलता हुआ नजर आता है, तो कहीं ना कहीं चंडीगढ़ से पहले तमाम जो SYL का मसला है, BBMB है, इनको कहीं ना कहीं सुलझाने की कोशिश कहीं ना कहीं होनी चाहिए थी। देखिए, BBMB का तो जो मसला है वो केंद्र से संबंधित है, इसमें कोई दो राय नहीं। वहां पे मेंबर पावर पंजाब का रहता था, मेंबर इरिगेशन हरियाणा का होना चाहिए, और अब उसको कानून को बदला जा रहा है, वो वापस करना चाहिए केंद्र सरकार को, ताकि जो पार्टिसिपेंट प्रदेश हैं वो अपने हित का वाच कर सकें, और चेयरमैन बाहर का ही होना चाहिए। यह है वो एक इशू है। लेकिन जैसे मैंने कहा, ये प्रस्ताव पास किया उन्होंने चंडीगढ़ के लिए कि चंडीगढ़ पंजाब, पंजाब का मतलब नहीं है भाई, हरियाणा का है चंडीगढ़, लेकिन यूनियन टेरिटरी बनी हुई है। जब तक ये विवाद है, जब तक फैसला नहीं होता, तो इनका विवादों में सबसे पहले प्राथमिकता पानी की है। पंजाब ने जो हमारा पानी रोक रखा है बावजूद सुप्रीम कोर्ट के हिस्से के, वो पानी रिलीज करना चाहिए, और जो है केंद्र सरकार को SYL पूरी करनी चाहिए। सर, इसके साथ में आपने आज सोमवार को विधायक दल की बैठक भी बुला रखी है, सर उसके बारे में भी जानना चाहेंगे, और उसके साथ साथ क्या सर सरकार से किसी प्रकार की मांग करेंगे सर्वदलीय बैठक जो है, आपने ट्वीट में भी लिखा था। हाँ, इसी वास्ते मैंने अपने विधायक साथियों को बुलाया है, सर्वदलीय बैठक की भी मांग करेंगे, स्पेशल सेशन की भी मांग करेंगे, जो भी साथी सलाह देंगे, ताकि अपने पक्ष मजबूती से हम रख सकें। सर, एक अंतिम प्रश्न आम आदमी पार्टी को लेकर पूछना चाहेंगे कि आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली में है और पंजाब में भी है, हरियाणा में लगातार आम आदमी पार्टी कहीं ना कहीं विस्तार कर रही है, तो क्या अरविंद केजरीवाल को स्टैंड लेना चाहिए SYL के मुद्दे पर? किस तरीके के से वो ये सोचते हैं इसके बारे में? कहाँ विस्तार कर रही है हरियाणा, तो कोई विस्तार नहीं हो रहा हरियाणा में, कोई विस्तार नहीं है। और बाकी जहां तक BJP की सरकार हरियाणा में भी है, केंद्र में भी है, जिम्मेवारी तो BJP की है। जो SYL खोद पानी के, तो हमारे दिलवाए पानी, हमारा हक्का पानी दिलवाए, बाकी विस्तार कोई पार्टी नहीं करी हरियाणा में। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये नेता विपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा थे जो जनता टीवी से तमाम मसलों को लेकर खास बातचीत कर रहे थे। कैमरामैन चंचल गुप्ता के साथ स्पर्श शर्मा, जनता टीवी, दिल्ली।